फाइनली हम लोग का मटन पुलाव आ चुका है और ये रायता भी आ चुका है, नमस दही वाला रायता। या मेरे अल्लाह, अभी हम लोग खाना खा रहे, अभी इधर एसी और मस्त पंखा चालू किया तो रूम इतना ठंडा हो गया कि समीर को उठ के एसी बंद कर इंसान कैसा होता है ना, ठंडी भी नहीं बर्दाश्त नहीं एसी का रिमोट छोड़ के टीवी के रिमोट से एसी बंद कर रहे, अल्लाह पाक। तो इंसान कैसा ना, कुछ भी चीज़ बर्दाश्त होती है, ठंडी बर्दाश्त है, गर्मी बर्दाश्त है ना। तो हमारे मौलाना सब बैठ गए खाने के लिए हाँ ना, अजमेर शरीफ इतना खाली हो गया, ये बार मुहर्रम में इतनी गर्दी नहीं, पूरा रोड खाली था, हर साल इतनी गर्दी रहती दसवीं तक, क्या पता बारिश वारिश इसके लिए लोग नहीं भी आते ट्रेन से। हाँ सही बात, अभी लिफ्ट हमने दबा दिए। अरे यार क्या भूले, मैं बोल रहा कुछ भूले तो नहीं करके, तो समीर भूल गए नैपकिन, समीर के नैपकिन लाने, लिफ्ट आ गई करके तो वापस नीचे चले गए। मैं समीर का वेट करते खड़ी हुई इधर, और काफ़ी लोग चले गए, काफ़ी लोग है भी, ये देख सकते हैं। तो समीर आते तो मैं भी, तो फाइनली मैं भाई के शॉप पे आई हूँ। जब भी मैं आती हूँ तो यहाँ से बर्तन आप लोगों को पता है लेके ही जाती हूँ, तो अभी मैंने एक कुकर ली हूँ। तो आप लोग बोलेंगे बॉम्बे में कुकर नहीं मिलता है, मगर सरकार के वहाँ आते तो कुछ ना कुछ यहाँ से निशानी हर टाइम लेके जाना चाहिए ना क्या। तो ये अपने भाई है और बहुत पुराने, मतलब तो बहुत पुराने, ये बहुत सालों से इनसे लेके जाती हूँ। और क्या मतलब मैं आती हूँ तो इनके शॉप पे आती हूँ बर्तन लेने के लिए, मुझे ऐसा लगता है लेके जाओ करके। और माशाल्लाह एक नंबर इनके वहाँ का सामान रहता है सर ना, हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ से शॉपिंग करते ही करते मेरे साथ में जो भी रहता है। तो आप लोग भी आओ तो इधर ज़रूर विजिट करो। आपके शॉप का नाम क्या है भाई? दीपक नावल किस्तो। हाँ तो आप लोग आइए और ज़रूर आइएगा, मैं जहाँ से लखनऊ कपड़े लेती हूँ, सब मेरा यही लाइन में है ना। क्या नाम है उनका? सुना अशोक भाई का, अशोक भाई का अजमेर आज के, मतलब यही लाइन में सब भाई की दुकानें हैं, सब भाई लोग की। तो आप लोग जरूर विजिट करो और आप लोग को अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह एक से एक आप पूछते हो मेरे से, आपने ज़्यादा मैंने खाना ही बनाई थी जो हंडियों में बड़ी बड़ी, तो सब यहाँ की थी, ये सब हंडी देख सकते हो मेरे बैग में, एक से एक हंडी मिलती है इनके पास में, एकदम वजनदार भी हल्की भी जैसा चाहिए आपको, और हर वैरायटी के बर्तन मिलते हैं। और कुकर तो मैंने इतना बड़ा कुकर तो खा लिया कि मैं पूरे कुकर में आ जाऊँगी, इतना बड़ा कुकर है, मैं आके भी बच जाऊँगी इतना बड़ा कुकर है ना समीर, कुकर वाली मैं आके भी बच जाऊँगी इतना बड़ा कुकर है। हाँ बॉम्बे में तो मैंने इतना बड़ा कुकर नहीं देखी। ये क्या काम के लिए आता रहेगा इतना बड़ा कुकर? ये होटलों के हिसाब से, रेस्टोरेंट के हिसाब से, जिनके दावतें होती हैं बड़ी बड़ी, उनके हिसाब से काम आता है। अच्छा अच्छा, इतना बड़ा कुकर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने लीटर का भाई? 60 लीटर का कुकर है। 60 लीटर का कुकर है, 21,000 रुपये है ना, 21,000 का। तो आप लोग और कुकर देखने के लिए तो आप लोग जरूर आना इधर, इसमें भी डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। और कुकर देखने आएंगे तो आप जरूर इधर शॉपिंग करेंगे, तो कुकर के बहाने तो आ जाओ इधर करके ना चलो फिर रोशनी का टाइम है, जा रहे दरगाह में। और माशाल्लाह रोड देखो कितना खाली खाली दिख रहा है, बहुत पब्लिक कल ही निकल गई छुट्टी करके, और ये बार मुहर्रम में बहुत कम बोले तो बहुत कम पब्लिक आई है, नहीं के बराबर छठी में जैसा आए लोग और निकल लिए। ये तो दसवें मुहर्रम तक बहुत बोले तो बहुत गर्दी रहती है, मैं भी हर साल दसवें मुहर्रम तक उठती हूँ, मगर चलो रुक 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 उधर पूछती हूँ। तो ये अभी मेरे में यहाँ से मिठाई नहीं थी और मैं पूरा मिठाई लोगा मेरी दोस्तानों के लिए भी नहीं थी, मैं लगता है यहीं भूल गई क्योंकि आज पूछती हूँ, मुझे लग रहा है मैं रिक्शे में भूली तो इधर भूली, भाई से पूछती अभी मेरी ईमानदारी है अभी आई मैं। क्या रहे हो भाई ने जो मैं बोली थी भूल के गई, तो उन्होंने एग्री किया कि अब मैं वहाँ भूल के गई थी, और वो ऐसा भी बोले क्या बहन इतने लोग आते हैं तो आप भूल के गए रहेंगे तो
आप भूल के गए रहेंगे तो बोल ही रहेंगे भूल के गए करके, झूठ थोड़ी बोलेंगे इतने बड़े दरबार पे आए तो बोले ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर से मेरा मिठाई वापस से बाने, तो थैंक यू जज़ाकल्ला, मतलब ऐसे लोग भी है क्या, है ना करके। तो अभी मैं मिठाई वहाँ से लूँगी, आते टाइम रोशनी से तो उनका वीडियो डालूँगी करके। ओ भाई उनको एक गिलास लेके दो ना शरबत, ओ भाई एक गिलास लेके दो उनको, बहुत चढ़ेले लोग पी रहे बेचारा, अपाहिज आदमी बोल रहा शरबत दो तो उसको दे रहे हैं। अब मैं लेके देती हूँ तुम जब तक रुकेंगे नहीं बेचारे शरबत से। तो चलो हम लोग जा रहे बाबा, अब मैं डायरेक्ट आप लोग को दरबार में ही मिलती है ना। सुनो अभी समीर भी ब्लॉगिंग करने लगे थोड़ा सा, कल लिए थे ब्लॉग अपने मोबाइल में, मेरे को बंगड़ी पिनाते टाइम ये बंगड़ी जो भी पिना रहे थे, और मेरा मोबाइल में थोड़ा चार्ज खलास हुआ था तो किए इन्होंने दो शूट लिया था करके, मगर वो पहुँचा नहीं, अगर आज पहुँच जाएगा आया इनके पास वो गनीमत है, मगर पहुँचा रहे इनके मोबाइल में जी करके। चलो मिलती बराबर। और कल इधर हाँ, तो अभी हम लोग दरगाह पे आए और सर का टाइम हो चुका है, और अभी नमाज के बाद फातिहा होगी मेरी आयती करीमा की, और वो कुरान जो मैं बख्शाती हूँ, और इधर बैठी हूँ झाड़ के नीचे, जो मैं हमेशा से झाड़ के नीचे बैठती हूँ, मेरा पता है ना आप लोग की बैठक यहीं रहती है मेरे दादा, और यहाँ बैठने से मुझे इतना सुकून मिलता है ना क्या पता, मैं पूरी जगह बैठी हूँ मेरे खादिमी गद्दी पे सब जगह, मगर इधर बैठने से अलग ही मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। जब तक यहाँ नहीं बैठूँगी ना मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं अजमेर शरीफ में आके बैठी, क्या पता दिली खुशी यहाँ मिलती है बैठने से बहुत ज़्यादा करके। और यहाँ से गुम्बद भी इतना अच्छा दिखता है कि पूछो मत, ऐसा लगता है सरकार तक पूरी अपनी ना जो भी बातें पूरी पहुँच रही है करके। भी आप लोग गुम्बद का आप लोग भी कोसा लगा लो और बोलते हैं दुआ मांग लो। गुम्बद को देखती हूँ बोलते हैं दुआ मांग लो तो सरकार कबूल फरमाते हैं, और बोलते हैं क्या देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है, वैसे लगता है बस गुम्बद ही देख के बैठे रहो, कुछ अलग ही वो लगता है दिल को, बहुत ज़्यादा बहुत सुकून लगता है, बहुत आराम लगता है। समीर भी आएंगे ना मेरे बैठे, समीर यहाँ सामने खड़े रहते हैं, मैं भी जरा एक जल्द बोली वीडियो कॉलिंग करके ज़रा ज्यारत करा लो, तो वीडियो कॉलिंग कर रहे उनके दोस्त को, तो समीर भी वहाँ सामने बेचारे दुआ तक भी वहीं खड़े रहते रात में, तो रात की दुआ में भी ज़्यादा रखनी नहीं रहती हूँ मैं अकेले, भी हम लोग मेरे साथ में कोई भी नहीं, सब इधर ही बैठती हूँ, और मैं अकेले उस वक्त मैं अकेली बैठती हूँ, मतलब मैं अकेली भी आके इधर ही बैठती हूँ, बहुत मैं तो बहुत दिल को मेरे इतना सुकून मिलता है घर के कम पीछे मन कर। समीर बोले भी जाते हैं उधर, जब दो मिनट रुक जाओ करके जाएंगे। और कितनी गर्मी रहें दो कुछ भी रहें दो, मगर ये झाड़ के अंदर बात ऐसी कुदरती है ना, ठंडा लगता है ना इसके अंदर, अभी भी इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, मगर ये झाड़ के नीचे बैठने से अलग ही एक बोलते नहीं क्या, मैं तो सुनी यहाँ बहुत मोखलत मतलब बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है झाड़ के ऊपर, सब सुनी यहाँ जो हाउस है उधर भी वजू करने बहुत बड़ी बड़ी हस्ती आते हैं, सरकार आते हैं, हाउस का पानी भी बोलते बहुत तासीर वाला है, और मैं तो हर छुट्टी में लेती ही जाती हूँ। चलो फिर समीर खड़े, ये देखो हमारा आयत करीमा हो रहा है, और कुरान शरीफ भी बख्श रहे, और फातिहा हो रही है, और समीर बैठे हैं, और आयत करीमा हुआ सरकार के नाम पे कुरान शरीफ, और भाभी की मेरी बरसी है,
मुहर्रम में आती है, 7 तारीख को आज ही आती है बरसी। और कादर भाई के नाम, कादर भाई बेचारे सबके नाम की पढ़ते थे फातिया, कादर भाई की भी फातिया हो गई। अल्लाह उनको जन्नत का आला से आला मकाम दे, जन्नत का आला से आला मकाम दे। जो लोग हर परेशानी हर कब्र के अजाब से बचाए करके, अभी कादर भाई के जगह पे उनके चाचा बैठ रहे, मैंने आप भी सभी कादर भाई की याद बहुत आती है, खराब लगता है। तो कादर भाई के रहने से रौनक थी, वो रौनक अभी रह नहीं गई, मगर खाली खाली पन लगता है मन से। आमीन। आमीन। आज मैं शरवा शरीफ नहीं जा पाई, तो मैं भी इधर ये कुरान शरीफ सब पढ़ते हैं, और हमेशा मैं आयते करीमा भी पढ़ते हूँ, पूरी हदिया देती हूँ अलग से, तो मैं सभी को इधर बेचारे लोग पढ़ते हैं, सब आपका ही काम है। लगभग किसकी कहाँ से तो दुआ लगाएगा मेरे परवरदिगार, भी आयते करीमा भी हो गया माशाल्लाह। और आप लोग भी जब भी आयते करीमा करना है तो इधर आओ चाचा के पास में, हो गया ना बराबर सबको। मरियम आपा हमेशा सबों का ख्याल रखती हैं, सबों के लिए दुआ करवाती हैं, अपने लिए दुआ करवाती हैं। जब भी हो कादर भाई के बाद मैं ही हूँ, हाँ। जब भी कांटेक्ट करना हो तो मरियम आपा को बता दें, उनसे नंबर ले लें मेरा, या फिर मुझको बता दें। अब दरगाह शरीफ में कादर भाई के बाद पढ़ाने का काम हमारा ही, कुरान शरीफ, आयत करीमा, खत्म कागजान, दरुज शरीफ, जो भी पढ़ाना है, जो भी पढ़ाना। और आज हम लोग सबके लिए दुआ करा दे, कल अल्लाह हमारे को भी कुछ होता हमारे लिए भी कोई दुआ कराएगा, सही है ना, ये चीज़ ही काम आने वाली है। तो फाइनली मैं अभी आप लोगों को बताई थी मिठाई की दुकान का, तो देखो भाई दे वापस मेरा रिप्लाई दिए वापस से मिठाई, मैं बताई ना बेचारे लोग ने बोली भूल गई तो वैसे ही दे दिए। ऐसे भी लोग रहते हैं, मतलब कितने लोग को बोलेंगे कि जान दो अभी आप भूल के गए, थोड़ी हमको याद है, तो मैंने जो लोबान और मिठाई भूल गई थी रोगे थे अगले महीने पूरी, और तो वो, और अभी मैं अभी दूसरी मिठाई ली। और आप लोग जब भी आओ तो इधर मिठाई की दुकान पे विज़िट करो, आमिर मिठाई की दुकान देख सकते हैं आप लोग, और एक नंबर मिठाई भालू शाह सब बहुत अच्छा है इधर, भालू शाह बोलते हैं, और ये भालू क्या बोलते हैं इसको, सोन हलवा, एक से एक सोन हलवा है, जैसी वैरायटी वैसा आपको चाहिए वैसा मिलेगा। ये मिठाई है, थोड़ा सा इनको चेक करो, थोड़ा चेक करो, अरे थोड़ा खा, थोड़ा खाओ जल्दी, मीठा नहीं खाते वो। और मैंने भी अभी ये आला मिठाई ली, और ये वाली ली हूँ, क्या ली, हाँ सोनल वाली। तो अभी अच्छा हम लोग के होटल के एकदम बाजू में भी हो गया, टेंशन भी नहीं है ना समीर, पहले अपन बद्रीनाथ से लेते थे, मगर अभी बद्रीनाथ स्लो हो गए लगभग, और ये शोर में के बाजू में ही आ जाना आप लोग, ओके। और ये भाई है, क्या नाम बेटा तुम्हारा, शाहरुख, और भाई आपका अब्दुल, अब्दुल भाई बहुत अच्छे, और वो बच्चा भाई का था उनका नाम क्या था, वो बच्चा बस, अच्छा अच्छा अच्छा, वो कौन उनका पोता था क्या, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिर हम लोग आ गए थे हमारी होटल में, नीचे तो हम लोग चाय पी रहे, थोड़ा सामान भी लेके आए थे, तो सामान सब काउंटर पर रखा हुआ है, और आयते करीमा हो गया, सब हो गया उधर। फिर हम लोग यहाँ से घर रूम पे आए, रूम पे तो एक बार ज़ियारत भी कर दी, हाँ फिर से ज़ियारत, माशाल्लाह दरगाह इतनी खाली थी, तो हम लोग खुद ही जाके ज़ियारत अंदर करे। और मैंने तो देखे ना झाड़ के नीचे का बनाया, और झाड़ के पास बैठने से था दिल ही सुकून मिलता है ना कि पूछो मत। और अभी मुझे ना थोड़ी भूख लगी थी तो डोसा मंगाई हूँ, अजमेर का डोसा है, देखो ये मैं पहली बार खा रही हूँ हमारी होटल में डोसा, तो देखती कैसा डोसा है ना। चलो मेरी चाय ठंडी हो रही है, और समीर के गाना देखो जरा मोबाइल में कितना ज़बरदस्त है, कौन सा गाना है अभी ये नहीं गा के बताओ, दोनों मोबाइल में गाना डाले नहीं है अस्सलाम वालेकुम मरियम आपा की तरफ से दो देख
खिचड़ा बनाया है। ये देखो खिचड़ा बन के तैयार है मरियम अपा का। मरियम अपा की तबीयत ठीक नहीं है, मरियम अपा मेरे शरीर में है और मरियम अपा के लिए सब दुआ करना। ये मरियम अपा की तरफ से पाते लग रही है इमाम हुसैन के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। तो मरियम अपा की तरफ से सरवाड़ शरीफ में ख्वाजा फकर में अलीम तकसीम हो रहा है। मरियम अपा अजमेर शरीफ में उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो अलीम तैयार हो रहा है सरकार में अलीम तैयार हो रहा है ख्वाजा फकर में। मरियम अपा के लिए दुआ करना सब, मरियम अपा की तबीयत ठीक हो जावे। अस्सलाम वालेकुम। उठन बना उठन ऑर्डर।